गरीबी इंसान को कितना बेबस बना देती है। गरीबी के जाल में फंसे लोगों पर हम, आप और हमारा समाज मिलकर कितना बोझ डालते हैं, ये शायद हमने इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े और देखें कि किस तरह एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। रोते हुए चेहरों पर मुस्कान ला सकता है, भूखे बच्चों को खाना दिला सकता है, देश में क्राइम रेट को कम कर सकता है। आइए मिलते हैं राजेश से, एक मेहनती रिक्शा वाले से। उन्होंने वो संघर्ष और मुश्किलें बताएं जिन्हें सुनकर एक पल के लिए आपकी आंखें शायद नम हो जाएंगी, पर ये उन हालातों से हर रोज गुजरते हैं। अपने भूखे बच्चों की याद में बस स्टैंड तो कभी रेलवे स्टेशन तो कभी गली मोहल्लों में काम की तलाश करते हुए जाते हैं। अगर कोई सवारी इन्हें मिल भी जाती है पर कई बार उन्हें अपने मांगे हुए किराए में भी समझौता करना पड़ता है। सवारी या तो पहले से ही डिस्काउंट करवा कर बैठती है या फिर जहां उन्हें जाना होता है वहां पहुंचने के बाद मोल भाव करती है और अपनी मन मर्जी के पैसे देकर चलती बनती है और उनके कंधों पर जिम्मेवारी का कर्ज और बढ़ता जाता है। हाल ही में आए बैटरी रिक्शा ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। वो एक बार की बात बताते हैं कि मेट्रो स्टेशन जाने के लिए मैंने 40 रुपए मांगे, इतने में एक बैटरी रिक्शा वाला आया और उन्हें बोला कि मैं आपको 20 रुपए में ही छोड़ दूंगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं एक और ग्राहक नहीं खोना चाहता था। मैंने कहा ठीक है आप 20 रुपए मुझे ही दे देना, पर वो बैटरी वाला बोला कि ये आपको पहुंचाएगा कई घंटों में, मैं आपको बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा। और किराया कम करने के बावजूद वो सवारी मेरे साथ न बैठी, झट से बैटरी रिक्शा में बैठ गई। ये गरीबी के दबाव का मुझ पर एक और झटका था। पता नहीं हमें किस बात की जल्दी है, पता नहीं हमें बस अपना घर चलाने की लगी रहती है, दूसरे के भी बच्चे हैं, उन्हें भी खाना पानी शिक्षा की जरूरत है, ये हम भूल जाते हैं। 5-स्टार होटल में वेटर को 500 रुपए की टिप देने वाले हम गरीब का हक मारकर पैसे बचा लिए ये सोचकर खुश हो जाते हैं। हर वक्त जल्दी में भागने वालों कभी टाइम हो तो थोड़ा आराम से चलने वाले रिक्शा में भी बैठ लिया करो। पाखंड रचकर भीख मांगने वाले भिखारियों को 10 रुपए देने से अच्छा है मेहनत करने वालों को वो दो, तब उनके चेहरे पर जो खुशी मिलेगी वो बेमिसाल होगी। इस छोटे से कदम से हम गरीबी का बोझ कम कर सकते हैं और उन लोगों को आसरा दे सकते हैं जो अपनी मेहनत की खाना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसका भला हो जाए।